जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी पंडितों की जमीन पर कब्जे के 8000 शिकायतों पर कार्यवाही की है। सन 1990 में आतंकवाद के भय से पलायन करने वाले पंडितों की जमीनें उनके पड़ोसियों ने हड़प कर रखी थी। 32 साल बाद ऐसी 2414 कनाल यानी 302 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त करा दी गई है, लेकिन सरकार की परेशानी यह है कि इन जमीनों के असल मालिक कब्जा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। वहीं कब्जे की सबसे ज्यादा शिकायतें अंतरनाग, कुपवाड़ा, बारामूला और बडगाम जिले से मिली थी। इन जिलों में पंडित बड़े जमींदार थे, कुछ ने डर के मारे संपत्ति बेच दी थी, लेकिन कई पंडितों ने जमीन देख रेख के लिए पड़ोसियों को सौंपी थी। वक्त के साथ इन जमीनों पर भी कब्जे कर लिए गए थे। आपको बता दें कि सरकार ने कब्जे हटाने की मुहिम एक साल पहले शुरू की थी। इसके विरोध में आतंकी संगठनों ने पंडितों की टारगेट किलिंग शुरू कर दहशत का माहौल पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सरकार कब्जा छुड़वाने की मुहिम जारी रखी। अत्याचार के चलते घर छोड़ने को मजबूर हुए पंडित 3 दशक से कब्जा छुड़वाने की लड़ाई लड़ रहे थे। सन 1997 में उनकी संपत्ति के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति अधिनियम 1957 भी पारित किया गया, लेकिन यह प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।